Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Our today's chapter is blood loss anemia of pathology. और इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया, उसकी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड लॉस अनीमिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड लॉस अनीमिया का मतलब क्या होता है। तो ये उस तरीके का अनीमिया होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली हमारे ब्लड के लॉस होने के कारण होता है। हमें पता है कि RBC एक कॉम्पोनेंट होता है हमारे ब्लड का, सो ऑफ कोर्स किसी कारण से अगर ब्लीडिंग होती है और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो ब्लड के साथ साथ RBCs भी लॉस होंगी, विच वुड लीड टू अनीमिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ब्लड लॉस अनीमिया या तो एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया मतलब ब्लड लॉस फॉर ए शॉर्टर टाइम, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्टर टाइम। तो अगर कोई भी ट्रॉमा या किसी भी लगने के कारण एक छोटे से पीरियड के लिए हमारा ब्लड लॉस होता है और उसके कारण अनीमिया होता है तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। देन वी हैव क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया। क्रॉनिक का मतलब होता है वो अनीमिया जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के ब्लड लॉस होने के कारण होता है। क्रॉनिक मीन्स लॉन्गर पीरियड। सो अगर किसी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा ब्लड लॉस होता है, जैसे हेमरेज हो गया, ये और भी कई डिसीज जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो सब इंक्लूड होते हैं क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। सो एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया की ईटियोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले ट्रॉमा। ईटियोलॉजी मतलब कि एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया किस कारण से होता है। तो ट्रॉमा मतलब लगने से, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके इंट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के कारण जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, क्योंकि एज सून एज उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो सही हो जाएगा। देन वी हैव कि एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया में RBC की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, मतलब क्या चेंजेस होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी में। सो RBC एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया में नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक ही होती है। क्या मतलब होता है नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक का? नॉर्मोसिटिक मतलब RBCs की साइज जो है नॉर्मल ही रहती है, और RBCs की नॉर्मल साइज कितनी होती है? 7.2 माइक्रोमीटर। एंड RBCs नॉर्मोक्रोमिक होती है, इसका मतलब उनका कलर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है, दैट इज रेड, चेंज नहीं होता है एज सच। सो नॉर्मोक्रोमिक मीन्स कलर विल बी रेड ओनली। देन वी हैव कि क्या पैथोजेनेसिस होता है एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया का, मतलब कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया हमारी बॉडी में। सो सबसे पहले होता है, जैसे ही ब्लड लॉस होता है हमें पता है कि ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम के डिक्रीज होते ही उस प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड है वो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। इंटरसेल्युलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड, और इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट मतलब वेसल वाला कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल वाला कंपार्टमेंट। सो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है वो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, RBCs के अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है RBC का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। RBC का वॉल्यूम डिक्रीज होते ही पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज होता है हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होने लग जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी, सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और इस हाइपोक्सिया के कारण हमें पता है कि हमारी किडनी में जो है सिग्नल्स जाएंगे इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करने के लिए, विच वुड रिजल्ट इन टू इरिथ्रोपोएसिस। अब ये इरिथ्रोपोएसिस लीड करता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। इसका मतलब हमें क्लिनिकल फीचर्स रटने की जरूरत नहीं है, हम इसके पीछे का बेसिस जानते हैं, दैट इज इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC। देन वी हैव ल्यूकोपोएसिस।
increased production of WBC and then increased production of megakaryocyte. So let's see first erythropoiesis. तो erythropoiesis में क्या है, RBC formation bone marrow में बढ़ जाएगा क्योंकि किडनी से जो है erythropoietin release होगा. Then we have leukopoiesis. Leuko is related to the term WBC, मतलब WBC का formation बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमें पता है हमारे साथ कोई भी ट्रॉमा होता है तो एड्रेनालिन जो है हमारी बॉडी में रिलीज होता है. अब ये एड्रेनालिन क्या करेगा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए WBC फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा. देन वी हैव मेगा कैरियोसाइटोसिस. इसका मतलब प्लेटलेट प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमने देखा एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया यूजुअली ट्रॉमा के कारण होता है. तो ऑफकोर्स ही बात है हमारी बॉडी उस ब्लड को क्लॉट करने की कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा ब्लड लूज नहीं हो. एंड ब्लड क्लॉटिंग में सबसे मेजर रोल किसका होता है, प्लेटलेट का. तो ऑफकोर्स बात है कि प्लेटलेट प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा बॉडी में. सो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया. नाउ लेट्स सी क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया, मतलब अनीमिया विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो देखते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, मतलब किस किस कारण के कारण क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया होता है. तो पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कोई हुकवर्म इन्फेक्शन हो गया, जैसे एस्कैरियासिस हो गया. तो वो हमारी उस एस्कैरियासिस में क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन से जो है ब्लड ऑलमोस्ट हर रोज पीसेस में रिलीज होता रहता है. तो वो क्या हो गया, क्रॉनिक ब्लड लॉस ऑन ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. देन वी हैव परसिस्टेंट एपिस्टैक्सिस. एपिस्टैक्सिस का मतलब नेजल ब्लीड, नोज ब्लीड. कई लोगों को जो है एपिस्टैक्सिस या नेजल ब्लीड जो है काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी बार बार होती है. तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया. देन वी हैव गायनेकोलॉजिकल ब्लीडिंग. ऑफ कोर्स वी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आती है. सो हर मंथ अगर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा ब्लड लॉस होता है किसी फीमेल में तो इट माइट लीड टू क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया. देन वी हैव हेमैटिन्यूरिया. हेमैटिन्यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन इन यूरिन. देन वी हैव हीमोप्टेसिस. हीमोप्टेसिस मतलब कफिंग के साथ ब्लड आना. एंड वी नो अ डिजीज दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस में हीमोप्टेसिस होता है, हमारे कफ के साथ ब्लीड ब्लड आता है. देन वी हैव हेमाटेमेसिस. हेमाटेमेसिस मीन्स वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना. एंड देर आर मेनी मोर अदर कॉजेज बट दीज आर द कॉजेज विच यू कैन लर्न विच कॉजेज क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया. देन वी हैव वॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया. तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं. ऑफकोर्स वो सारे जो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया में दिखते हैं वो तो होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं. तो उसके अलावा इसमें मॉर्फोलॉजी में थोड़ा चेंज आएगा. यहाँ पे माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक आरबीसीज होंगी. माइक्रोसिटिक मतलब स्मॉलर इन साइज, दैट मीन्स स्मॉलर देन 7.2 माइक्रोमीटर. एंड हाइपोक्रोमिक मीन्स उसका कलर भी पेल रेड, डल रेड होगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इतने क्रॉनिक टाइम तक अगर ब्लड लॉस होता रहेगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा, जिसमें माइक्रोसिटिक होती है आरबीसी और हाइपोक्रोमिक होती है, क्योंकि आयरन इज नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को कलर देता है. तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी जो है लाइटर इन कलर प्रोड्यूस होंगी. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया. देन रेटिक्यूलोसाइटोसिस. ऑफ कोर्स हमारी बॉडी से कुछ भी लॉस हो रहा है तो हमारी बॉडी जो है कॉम्पनसेट तो करने की कोशिश करेगी. तो हमारी बॉडी रेटिक्यूलोसाइटोसिस से कॉम्पनसेट करती है. रेटिक्यूलोसाइट एक स्टेज होती है आरबीसी की, आरबीसी फॉर्मेशन की, फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्ट टू एरिथ्रोसाइट. तो अचानक से रेटिक्यूलोसाइटोसिस बढ़ जाता है, इसका मतलब हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है लगातार जो आरबीसी लूज हुई है उनके लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है.